हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोईन अब सभी के सामने आज एक इम्पॉटेंट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग रिसर्च पेपर फ्रॉम प्रिपरेशन टू पब्लिकेशन इन वन प्लेलिस्ट आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रिसर्च पेपर अपना प्रिपेयर कर सकते हो और किस तरीके से आप उसे पब्लिश कर सकते हो ये सिंगल प्ले को फॉलो करके इज़ इट क्लियर अभी नेट जे का एग्ज़ाम दूर है ठीक है तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए इन इंक्रीजिंग योर ए स्कोर इज इट प्लर और उसके लिए अक्सर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो वरिड होते हैं कि सर किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखना है किस तरीके से उसे पब्लिश करना है तो आई कैन एश्योर यू ये प्लेलिस्ट पूरी अच्छी तरीके से देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप रिसर्च पेपर खुद लिख सकते हो और उसे यू जी सी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश करा सकते हो इज इट क्लियर तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा सो बिफोर गेटिंग इन टू इट आई वुड लाइक यूर टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज एंड हिट दी बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमारी वेबसाइट भी है रिसर्च पी एच डी डॉट इन जहाँ पर हम डेली बेसिस पे पी एच डी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पी एच डी एडमिशंस ओपन है उसकी जानकारी या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट रिसर्च पी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स अगर आप नेट जे या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अन अकेडमी पर और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के दस बजे डेली अन अकेडमी पर तो आप उनको जरूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर वन क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कॉन्टेंट इन बुक्स में मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और जैसे ही आप यूट्यूब पे गए यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च बटन में लिखना है सर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस और जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा रिसर्च इन पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस आपको उसे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में जाना है जैसे ही आप प्लेलिस्ट में गए आपको सबसे ऊपर एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी दैट इज़ रिसर्च पेपर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन फोर्टी वीडियोज़ हैं इनमें अगर आपने ये फोर्टी वीडियोज़ अच्छी तरीके से देख ली तो आप रिसर्च पेपर खुद लिख सकते हो और उसे पब्लिश करा सकते हो इज इट क्लियर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है यह वीडियो सफिशियंट है जो आपको मदद करेगी प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे गए ये जो ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है रिसर्च पेपर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन आपको इसे क्लिक करना है और आपके सामने सीरीज ऑफ वीडियोज आ जाएंगी अब मैं आपको बताऊंगा कि हर एक वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में दी हुई है एक किस एस्पेक्ट में आपकी मदद करेगी सारी की सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आप ज़रूर देखिएगा सबसे पहले अभी मैंने लास्ट थ्री फोर डेज़ में दो वीडियोस बनाई हैं दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च पेपर फॉर बिगनर्स पार्ट वन एंड पार्ट टू ये दोनों वीडियोज़ बहुत ज़रूरी हैं आई थिंक दीज टू वीडियोज आर सफिशेंट टू गिव यू कॉन्फिडेंस टू राइट अ रिसर्च पेपर एंड टू पब्लिश इट इज़ इट क्लियर इसके बाद है 100% परसेंट यूनिक टूल टू रिड्यूस प्लागरिज्म एंड रिसर्च किस तरीके से आप प्लेगरिज्म को रिड्यूस कर सकते हो बहुत बड़ा इशू आता है आपको रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना है फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन एंड प्लागरिज्म नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च पेपर में अदरवाइज आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाएगा तो किस तरीके से आप अपना प्लैगरिज्म रिड्यूस कर सकते हो आपको थर्ड वीडियो बताएगी उसके बाद लिस्ट ऑफ यू जी सी अप्रूव जर्नल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बहुत से जर्नल्स अपने वेबसाइट पे लिखते हैं कि हम यू जी सी अप्रूव हैं पर आप उनकी बातों में मत आइए आप इस वीडियो को देखिए इसमें मैंने बताया हुआ है लिस्ट ऑफ यू जी सी अप्रूव जर्नल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कौन कौन से जर्नल्स यू जी सी अप्रूव हैं नेक्स्ट इज जर्नल इंडेक्सिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोज में जो मैंने आपको बताया पार्ट वन एंड पार्ट टू कि इंडेक्सिंग देख करके ही आपको ये फैसला लेना चाहिए कि आपको इस जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है या नहीं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी व्हाट इज जर्नल इंडेक्सिंग बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्स जर्नल्स पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन अ रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या होता है क्यों हम रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ठीक है जब आपको पता चलेगा क्यों लिखते हैं तभी आप एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च पेपर में लिख सकते हैं नेक्स्ट इज वट आर रिकमेंडेशन इन रिसर्च हम रिसर्च पेपर में रिकमेंडेशन भी लिखते हैं किस तरीके से आपको रिकमेंडेशन लिखनी चाहिए कौन से रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल कहलाएंगी ये आपको बताएगा हमारा ये वीडियो वट आर रिकमेंडेशन इन रिसर्च वट आर इम्प्लिकेशन इन रिसर्च इम्प्लीकेशन किस तरीके से लिखना है आपको रिसर्च के अंदर ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में बेस्ट टिप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च स्टडी लिमिटेशन किस तरीके से आपको रिसर्च स्टडी लिमिटेशन लिखनी है हर एक रिसर्च पेपर की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं ठीक है किस तरीके से उसको लिखा जाए ठीक है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में उसके बाद है वट आर लिमिटेशन इन रिसर्च टाइप्स ऑफ लिमिटेशन इन रिसर्च इसमें लिमिटेशन की थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को कवर किया गया ये कितने प्रकार की लिमिटेशन होती हैं और कौन कौन सी लिमिटेशन आपको अपने रिसर्च पेपर में लिखनी चाहिए स्टेप्स टू राइट अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च मेथेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक रिसर्च पेपर में ठीक है क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू राइट अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथोलॉजी आपको इस वीडियो से पता चलेगा सिक्स की पॉइंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम ये बहुत मेजर इशू होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या किस तरीके से हम रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करें तो आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप्स टू फ्रेम इफेक्टिव क्वेश्चन वाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनअर फॉर अ रिसर्च आप जब भी प्राइमरी डाटा इकट्ठा करोगे विद द हेल्प ऑफ सर्वे मेथड तो आपको क्वेश्चनअर बनाना होगा तो किस तरीके से आप एक इफेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में सिक्स स्टेप्स फॉर राइटिंग अ स्ट्रॉग एबस्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट समरी होता है आपके रिसर्च पेपर का एबस्ट्रैक्ट देख करके ही एक रिसर्चर डिसाइड करता है कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए तो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए राइटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है रिसर्च डिजाइन के क्या टाइप्स होते हैं ठीक है ये भी आपको पता चलेगा ये भी एक थोरिटिकल एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च पेपर बेस्ट फ्री एंड पेड प्लेग्रिजम चेकर सॉफ्टवेयर्स है ना किस तरीके से आप प्लेगिज्म को चेक कर सकते हो कौन कौन से बेस्ट फ्री और कौन कौन से बेस्ट पेड सॉफ्टवेयर्स हैं प्लैग्रिज्म चेक करने के ये आपको, आपको पता चलेगा इस वीडियो में बेस्ट यूजीसी केयर लिस्टेड अनपेड जर्नल्स फॉर क्विक पब्लिकेशंस कौन कौन से अनपेड जर्नल्स हैं जो आपको रेफर करने चाहिए फॉर क्विक पब्लिकेशंस ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में हाउ टू फॉर्मेट अ रिसर्च पेपर क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कितना मार्जिन होना चाहिए क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए क्या फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग करनी है ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में हाउ टू फॉर्मेट अ रिसर्च पेपर हाउ टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर इन यू जी सी केयर लिस्ट जर्नल्स किस तरीके से आप अपना रिसर्च पेपर एक यू जी सी केयर लिस्ट जर्नल में पब्लिश करा सकते हो पूरे पब्लिकेशन के स्टेप्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इनकॉर्पोरेट किए हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल पब्लिकेशन इज इट क्लियर तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर क्वान्टिटेटिव डाटा एनालिसिस इन रिसर्च राइट अगर हमें क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करना है तो कौन कौन से पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए है ना इन ऑर्डर टू डू अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये बताया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर इन अ शॉर्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये कैसे आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर को रीड कर सकते हो ठीक है ये आपको मैंने बताया है इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू इफेक्टिवली किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू आपको इफेक्टिवली लिखना है ये आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिसर्च पेपर का उसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है पर आपको इस वीडियो को देख करके वो आसान लगने लग जाएगा इज पेयर रिव्यू जर्नल इक्विवेलेंट टू यू जी सी केयरलिस्ट जर्नल क्या पेयर रिव्यू जर्नल यू जी सी केयरलिस्ट जर्नल के बराबर होते हैं बहुत से रिसर्चर्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं जब वो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा रहे होते हैं तो इस वीडियो में जो ये क्वेरी आपकी अराइज होती रहती है, है वो क्लियर हो जाएगी हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर इफेक्टिवली किस तरीके से आपको एक रिसर्च पेपर इफेक्टिवली रीड करना है पहले वीडियो मैंने बताया था इससे पहले जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट टाइम वाला इसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से आपको शॉर्ट टाइम में रिसर्च पेपर पढ़ना है और किस तरीके से इफेक्टिवली आपको रिसर्च पेपर रीड करना है ये मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है नेक्स्ट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई फ़ेक जर्नल्स एंड वेबसाइट फॉर रिसर्च पब्लिकेशन किस तरीके से आप फ़ेक जर्नल्स फ़ेक वेबसाइट बहुत सी फेक जर्नल्स बहुत सी फेक वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है पर आपको अलर्ट रहना है जिससे आपके पैसे और आपके एफ़र्ट्स कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो जाए तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किस तरीके से आप फ़ेक जर्नल्स या फिर फेक वेबसाइट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो हाउ टू डू इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग समराइजिंग एंड ग्रामर चेक इन रिसर्च तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो फॉर पैराफ्रेजिंग समराइजिंग एंड ग्रामर चेक टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथर्स एंड रिसर्च कौन कौन से प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड अवेलेबल हैं ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इन मेथड्स को यूज कर पाओगे तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी हुई है इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑन राइटिंग अ रिसर्च पेपर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा फाइव इफेक्टिव स्टेप्स टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च है ना कौन कौन से फाइव इफेक्टिव स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त रिसर्च पेपर के अंदर ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में कि किस तरीके से पूरा रिसर्च प्रोसेस चलता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जरूर देखिएगा फ्री साइटेशन वेबसाइट फॉर रिसर्च पेपर ना अगर आपको साइटेशंस लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इस वीडियो में एक वेबसाइट बताई है जिसकी मदद से आप साइटेशंस को लिख सकते हो वो भी फ्रीली मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड पैरामीटर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस ठीक है हाइपोथेसिस हम बनाते हैं अपने रिसर्च पेपर में कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं और एक अच्छे हाइपोथेसिस के क्या पैरामीटर्स होते हैं ये आपको बताया गया है इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू राइट अ रिसर्च पेपर फॉर बिगनर्स एक मैंने वीडियो बनाई थी एक साल पहले जिसमें मैंने रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखना है ये मैंने बताया था आप इसको भी रेफर कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिलेगी नेक्स्ट इज रिसर्च पेपर क्यों रिजेक्ट होते हैं ठीक है ठीके? ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो गलतियाँ अक्सर रिसर्चर्स करते हैं वो मैंने बताई है यहाँ पर आपको वो गलतियाँ अवॉइड करनी है और उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना है जानिए लिटरेचर रिव्यू करने का सही तरीका रिसर्च टॉपिक्स कैसे चुने ये बहुत ही रेलिवेंट वीडियो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे आए हैं इस वीडियो में तो आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल लगेगी इसलिए आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा प्लैग्रिज्म ग्रामर एंड पैराफ्रेजिंग कैसे चेक करते हैं फ्री वेबसाइट अवेलेबल तो मैंने कुछ फ्री वेबसाइट्स बताई हुई हैं जिससे आप अपना प्लाग्रिज्म रिड्यूस कर सकते हो प्लाग्रिज्म को चेक कर सकते हो ग्रामर एंड पैराफ्रेजिंग कर सकते हो बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेज एंड वर्क साइटेड में क्या अंतर होता है ठीक है अक्सर रिसर्चर्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको बिब्लियोग्राफी लिखनी है या रेफरेंसेज लिखना है या वर्क साइटेड लिखना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे कि आपको अपने रिसर्च पेपर में लिखना क्या है जानिए कौन सा रिसर्च मेथड किस रिसर्च में यूज होता है ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस रिसर्च में कौन सा मेथड यूज करना है किस रिसर्च में कौन सा मेथड सही है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में उसके बाद है कंप्लीट गाइडेंस ऑन हाउ टू राइट एन एब्सट्रैक्ट किस तरीके से एबस्ट्रैक्ट को लिखा जाता है एक प्रॉपर स्पेसिमेन के साथ एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है एंड लास्ट वीडियो दैट इज कंप्लीट गाइडेंस ऑन हाउ टू स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी आपको बताएगी किस तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हो ऑर्डर टू राइट अ रिसर्च पेपर तो ये फोर्टी वीडियोस हैं जो मैंने आपको बताई उनका रेलिवेंस बताया कि उनको क्यों देखना चाहिए और आई होप इन वीडियोज को आप डेफिनेटली फॉलो करोगे बिकॉज आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाओगे साथ ही साथ उसे पब्लिश करा पाओगे इस प्ले की सारी वीडियोज को देखने के बाद इज इट क्लियर तो ये प्ले के बारे में आपको बताना मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उनको भी इस प्ले के बारे में जानकारी हो जाए और वो एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकें और उसे पब्लिश करा सकें तो थैंक यू सो मच फॉर ए वैल्यूएबल टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत